पर्यावरण बचाओ का संकल्प लेकर 4 दिसंबर को अयोध्या से शुरू की गई पदयात्रा के यात्री आशुतोष पांडे गुरुवार की सुबह बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर मणिकर्णिका घाट पर वृक्षारोपण कर विश्वनाथ मंदिर से पदयात्रा करते जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना के नेतृत्व में माल्यार्पण कर पदयात्री आशुतोष पांडे का स्वागत किया गया। इस अवसर पर आशुतोष पांडे ने कहा कि यात्रा 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से शुरू किए, अयोध्या से पहुंचे मथुरा और मथुरा से पैदल चलकर प्रयागराज एवं भदोही होते हुए वाराणसी पहुंचा हूं। ये यात्रा 21 राज्यों की यात्रा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए 2024 में अयोध्या में समाप्त होगी। इस दौरान 10,000 वृक्षारोपण, 1,000 स्कूल में जाकर युवाओं और बच्चों को पर्यावरण और शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए 10 लाख नीम, पीपल, तुलसी, गिलोय और आंवला का वृक्ष लगाने का संकल्प दिलवाया जाएगा। धन्यवाद पदयात्रा की शुरुआत 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से करें। यह राष्ट्र अच्छा राष्ट्र सीमा की गई है, जिसमें 10,000 वृक्षारोपण किया जा रहा है और 10 लाख वृक्षारोपण को करवाने का संकल्प दिलाया जा रहा है पूरे राज्य में, जिसमें हम 21 राज्यों की यात्रा करेंगे। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024। कहाँ से ये मेरे सेल्फ में आया जो मैं, उसका कारण दिल्ली रहा। दिल्ली में था क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी पर्यावरण को लेकर, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से वहाँ पर रहा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं सेल्फ में आया। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि मैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, उसके बाद मैंने अभी क्लाइमेट के ऊपर बिल गेट्स ने पूरी किताब लिखी है उसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। तो और दूसरी चीज़ जिस तरीके से WHO की लगातार रिपोर्ट आती जा रही है आने वाले 2050 तक बहुत बड़ी क्राइसिस को कहीं ना कहीं हम देखने वाले हैं। $470 मिलियन के आसपास की इकोनॉमी हम लॉस कर जाएंगे अगर इसी तरीके से इंडियन पॉपुलेशन बढ़ती रही और हम क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय करते चले गए। बिकॉज हमारे पास में लिमिटेड लैंड है, लेकिन हम पॉपुलेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। 52 करोड़ के आसपास की हमारे पास में टोटल पॉपुलेशन थी आज़ादी के समय, और 152 करोड़ के आसपास की अगर हम जनगणना करवाएं तो 152 करोड़ के आसपास की स्थिति हो चुकी है, लेकिन लैंड हमारे पास में उतनी है। उसके साथ एक्सपेंडेशन कहीं नहीं बढ़ता जा रहा, नवीनीकरण बढ़ता जा रहा, हम शहरीकरण करते चले जा रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट करते चले जा रहे हैं, हम कनेक्टिविटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके बीच में हम जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं हमें बचाने की जरूरत है, हम जैसे युवाओं को निकलना।